हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ परमिंदर सिंह और आप सभी का मेरे आर्ट चैनल पे स्वागत है। तो इस बार मैं लेके आऊँ आपके लिए एक न्यू आर्ट वीडियो जो कि मैंने पिछले वीक डन की थी, टर्मिनेटर। तो उस वीडियो को मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊंगा कि मैंने कौन से कलर यूज़ किए थे। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो अप्सरा कलर 26, ये पेंसिल कलर हैं, बहुत ज़्यादा ही स्मूथ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कलर हैं, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। और जो मैंने बाहर कलर पेंसिल रखे हुए हैं वो मैंने स्किन के तौर पे टर्मिनेटर वीडियो जो आर्ट वीडियो थे उसमें मैंने यूज़ किए, तो आप ये स्किन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने उस वीडियो में कैसे ये कलर यूज़ किए थे। तो दोस्तों, ये मैंने आधा फेस बना रखा है और आधा फेस हमने मैंने छोड़ रखा है बताने के लिए कि आने वाला जो हम फेस बनाएंगे वो इसी तरह ही बनेगा जो लेफ़्ट वाला बन चुका है। बस राइट वाला साइड वो हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे क्योंकि लाइट वाला पार्ट है, तो बैलेंस का भी हमें ख्याल रखना है। तो देखते रहिए। तो ये मैंने ऑरेंज कलर लिया हुआ है, वो बिल्कुल मैंने लाइट कलर के साथ मैंने फिल करना है, लाइट कलर चलाना है, तो डिटेल भी भरनी है साथ साथ। आपको ख़ास ध्यान रखना है कि हम जिस एरिया में कलर फिल कर रहे हैं वो उसको कंप्लीट बनाकर फिर आगे जाएंगे, क्योंकि हमने एक एक इंच का एरिया लेना है, एक इंच का एरिया कंप्लीट होने के बाद ही हम आगे जाएंगे। तो देखते रहिए, बिल्कुल लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं। तो ये हमारा बेस धीरे धीरे तैयार हो रहा है, तो उसमें हम आगे वाला कलर फिल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑरेंज कलर ही हमें बेस के तौर पे यूज़ करना है। अब हम रेड कलर यूज़ करेंगे, वो हमें पिक से ही पता चलेगा, जिस पिक से हम देखकर बना रहे हैं उसमें कौन सा कलर है, उसमें कौन सी डिटेल है, कौन सी कलर की है। पिंक कलर की है तो पिंक कलर, रेड कलर की है तो रेड कलर फिल करेंगे। ये मैं रेड कलर लाइट यूज़ कर रहा हूँ डिटेल भरने के लिए, क्योंकि ये जो मैंने पोर्ट्रेट बना रहा हूँ ये डिटेल वाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ओल्ड स्किन है तो डिटेल ज़्यादा भरनी पड़ेगी। अगर किसी बेबी का पोर्ट्रेट होता तो बिल्कुल स्मूथ कलर चलाना पड़ता, तो इसमें डिटेल भरने का ज़्यादा काम है। तो रेड कलर भी बिल्कुल लाइट कलर हम फिल करने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ है वो वहाँ वहाँ हम फिल करेंगे। ऑरेंज कलर का खास ध्यान रखना है, ये हमारा स्किन कलर है, और क्योंकि मैं अप्सरा कलर सभी शेड है जो 26 शेड हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें स्किन कलर नहीं होते, तो स्किन कलर के तौर पे ऑरेंज कलर बेस्ट है। ठीक है, तो बेस के तौर पे उसको यूज़ करो और उसमें डिटेल भरो, रेड कलर पिंक कलर जो भी हम फिल उसमें डिटेल भरना चाहते हैं वो फिल कर लो। बिल्कुल लाइट यूज़ करना है, लाइट यूज़ करने से हमारी स्किन है वो प्रॉपर बनती रहती है। अगर हम ज़्यादा डार्क चलाते हैं तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नेचुरल नहीं बन पाती, डिटेल बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और ये पीच कलर है थोड़ा सा, ये भी साथ में मिला था, ये भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कई आर्टिस्ट जो कलर पेंसिल में नए आते हैं वो एक ही कलर का पेंसिल सोचते हैं कि स्किन कलर स्किन बनाने के लिए हमें सिर्फ एक पेंसिल की यूज़ करें, है ना, कौन कौन सी पेंसिल यूज़ करें पूछते रहते हैं। ऐसा नहीं है, हमें इसमें चार पेंसिल को शामिल करना चाहिए स्किन कलर में। अगर एक ही पेंसिल हो और वही हम फेस में फिल कर दें तो वो कार्टून टाइप और नकली जैसा लगता है, क्योंकि हम जो भी स्किन बनाते हैं फेस की वो उसमें कितनी पेंसिल यूज़ की है और कितने ज़्यादा डिटेल भरी है और बैलेंस किस तरह रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। डार्क वाला पार्ट भी ध्यान रखना है, ये ब्राउन कलर, ब्राउन कलर हम जो डार्क पार्ट है उसको हम फिल करेंगे, ब्लैक भी हम फिल करेंगे,
क्योंकि थोड़ा सा हमने डूंगाई गहराई दिखाने के लिए वो ब्लैक कलर यूज़ करना है। हर एक डिटेल को हम इसी तरह फिल करेंगे। ब्राउन कलर भी यूज़ करना है, रेड कलर भी यूज़ करना है और ब्लैक कलर भी। अगर ब्लैक कलर का यूज़ कम ही करो तो ही अच्छा है। डार्क ब्राउन कलर लिया जा सकता है, मगर मेरे पास इस शेड में ये ब्राउन कलर डार्क कलर नहीं है, तो ब्लैक कलर और ब्राउन कलर को मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ इसके लिए। तो हम ये चोट वाला हिस्सा बना रहे हैं, जख्म जिसे कहते हैं, थोड़ा सा लाली जी वाला पार्ट हम इसमें बनाएंगे। ब्राउन कलर यूज़ करेंगे इसमें। जो हमने बेस फिल किया था उसमें हम ब्राउन कलर से बिल्कुल बिल्कुल लाइट हम डिटेल भर रहे हैं उसमें, कि ऐसा ना लगे कि ऑरेंज कलर ही चलाकर छोड़ दिया और उसमें हमने कोई डिटेल नहीं भरी, तो वो नहीं करना है। हमने सभी कलर जो मैंने पेंसिलें शुरुआत में दिखाई हुई साइड की, तो वो हमने इसमें फिल कर दी है। जितनी हम डिटेल भरेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो पोर्ट्रेट है वो असली जैसा बनेगा, रियलिस्टिक। तो ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ ये तस्वीर में बहुत ख़ास है, तो ये चैलेंज है। अगर बन जाए तो इससे तस्वीर है जो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगी। वाइट कलर भी हमने इसमें फिल करना है, क्योंकि वाइट कलर जो हम ज़्यादा डार्क कलर चला देते हैं तो उसको ब्लेंड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और वाइट कलर को भी हमने साथ साथ यूज़ करना है।
जहाँ जहाँ हमने ज़्यादा कलर डार्क कर दिया है, उठ रहा है कलर, हाईलाइट हो रहा है, उसको थोड़ा सा हमने लाइट करना है, ब्लेंड करना कह देते हैं उसको, ब्लेंड करना। मिक्सिंग भी इसमें खास हो जाती है। और अप्सरा कलर में ये खास बात है कि इसमें वाइट कलर भी मुझे मिला है। पहले मैंने फैब्रिक कैस्टल कलर यूज़ किया था, उसमें वाइट कलर नहीं था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि आइडिया थे हमारे पास कि वाइट कलर से ये हो जाएगा, मगर वाइट कलर मेरे पास नहीं था। तो ग्लास मार्क मैंने उसमें यूज़ किया था, तो इस बार मुझे मौका मिला है वाइट कलर यूज़ करने का। ये मैंने जो पार्ट बना रखा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्किन के साथ थोड़ा मैच कर जाए, इसलिए मैं बार बार ये वाइट कलर इसमें यूज़ करता हूँ। ब्लैक और रेड कलर, ब्राउन कलर ये हम इसमें फिल कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा अलग दिखे और स्किन के साथ मिक्स भी पता चले कि मिक्स हो रहा है इसमें। जैसे मैंने कहा था कि डिटेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो जब तक हम फिल करते रहेंगे उतना ही हमारा जो पोर्ट्रेट है वो अच्छा बनेगा। वो साथ साथ हमें फिल करते रहना है। मैंने एक इंच का एरिया ही लिया और आगे नहीं गया, उसको मैंने कंप्लीट करके आगे जाना है, क्योंकि हम जब पूरा फेस में कलर डाल देते हैं और हमको पता नहीं चलता कि कौन कौन सा पार्ट रह जाता है। मैंने एक इंच का एरिया जो लिया है बस उसमें डिटेल भर रहा हूँ, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि मैं यू शेड कर रहा हूँ, वो डॉट्स और बिल्कुल एक एक इंच का शेड कर रहा हूँ मैं, एक एक इंच का भी बहुत ज़्यादा, उससे भी कम है, पता नहीं चले कि पेंसिल का जो शेड है वो कैसे चला हुआ है। बिल्कुल लाइट और स्मूथ से यूज़ करना है, वो स्मूथली यूज़ करना है। लाइट वाला पार्ट हम लाइट ही छोड़ेंगे, फिर हमने आगे जाना है और बेस कलर का यूज़ किया है करना है, और जैसे मैंने आपको बताया था, और बेस कलर का उसका भी यूज़ करना है, और ऑरेंज कलर का भी हमने यूज़ करना है, बेस तैयार करना है और उसमें डिटेल भरनी है। इसी तरह हम आगे आगे जाएंगे। और इसको मिक्स भी करना है उसके साथ,
आप देख सकते हैं कि मैं ये कलर ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि रेड कलर और पिंक कलर भी स्किन में होते हैं, तो ये बाद की बात है, जब हम बेस बना लेते हैं तो ये कलर बाद में आते हैं। अगर पहले हम पेपर पे फेस ड्रॉ करके ये कलर हम करने लगें तो बनेगा नहीं, हमें थोड़ा सा येलो यूज़ करना पड़ता है, येलो यूज़ करने के बाद हमें फिर रेड करना पड़ता है। तो मैंने इन को रिजेक्ट करके मैंने ऑरेंज कलर ही ले लिया। मेरे पास कोई हाईलाइट करने के लिए वो कलर नहीं है, तो मैं पोस्टर कलर वाइट कलर का थोड़ा सा टेक्सचर इसमें फिल कर रहा हूँ ब्रश के साथ। ख़राब सा ब्रश है, कोई अच्छा शेप नहीं है उसका, जानबूझ के मैंने ये यूज़ किया के लगे कि ये हाईलाइट वाला पार्ट है स्किन का, जो जिसमें ज़्यादा रोशनी पड़ती है, चमक होती है, वो वाला पार्ट मैं इसमें बना रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि स्किन के साथ ये भी मिक्स हो जाए। ये वीडियो 17 मिनट्स की हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, और मैं चाहता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द अपलोड करूँगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मुझे मेरे इस वीडियो में कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं जल्द इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर लेके आऊँगा। और मुझे अच्छा लगा आपके साथ ये आइडिया शेयर करके, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।